मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्रोमोसोम्स को डिस्कस करेंगे। ये आपकी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर में न्यूक्लियस में आपने पढ़ा था कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इसका ज़्यादा डीपली डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर, आप में से किसी बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्रोमोसोम्स क्या हैं, तो इस पर्पज़ से मैंने आज ये वीडियो बनाया है। और आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स होता क्या है। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है। और कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस चीज़ के बने हुए। अगर इसके हम कंपोनेंट की बात करें तो क्या है? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड जो है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक चेन में लिंक्ड होते हैं और उस चेन को कहते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड। और वो पूरा स्ट्रक्चर क्या कहा जाता है? डीएनए कहा जाता है। तो इस तरह से हम जब बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, क्रोमोसोम्स, डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है नॉर्मल रेस्टिंग सेल्स में के न्यूक्लियस में, वो नहीं दिखता है। वो कब दिखता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर? जब सेल डिवीज़न होता रहता है उस टाइम पर वो क्लियरली दिखाई देते हैं। तो उस टाइम पर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है वो किसका बना होता है? न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, विच मीन डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है और कुछ इस तरह से बाउंड होते हैं। जो डीएनए होता है वो डबल जो है वो कॉइल्ड होता है इस तरह से। हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि ऑक्टामर होता है हिस्टोन प्रोटीन का, और डीएनए जो होता है वो कुछ इस तरह से उस पर लिंक्ड होता है। ओके, इस तरह से लिंक्ड होता है और यही स्ट्रक्चर बनता जाता है। फिर स्टोन प्रोटीन और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड की चेन उससे जॉइन, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता चला जाता है। और ये एक इस पूरे स्ट्रक्चर को हम, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। तो अब क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक रचना होती है जो धागे के समान दिखती है और जो कि न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड से मतलब यहाँ पर डीएनए है, क्योंकि जो है डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, पॉलीमर्स, जिनको हम ये बोलते हैं पॉलीमर्स। मतलब जब एक सेम यूनिट जो है एक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होती है और एक चेन की फॉर्म बना लेती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स। तो यहाँ पर यही कंडीशन होती है कि न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो जो है एक चेन बना लेते हैं। मतलब न्यूक्लिक एसिड बॉन्ड के थ्रू बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड एक साथ जुड़े होते हैं चेन की फॉर्म में, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर है या पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं उसको। तो डीएनए हम ये भी जो है कहते हैं कि डीएनए इज़ अ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। मतलब डीएनए जो है वो एक न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ जो है लिंक्ड होते हैं। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे कि डीएनए क्या होता है। डीएनए का काम जो होता है, डीएनए में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होती है, मतलब कि माता पिता से उनके बच्चों तक जाती है, पेरेंट्स से चाइल्ड तक जाती है। मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसमिट होती है, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? जीन होते हैं। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है और जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है। बस इतना आप जान लीजिए कि डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ट्रेड्स रखते हैं जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं।
हैं, जिससे कि सिमिलरिटीज़ जो दिखाई देती हैं एक फैमिली के मेंबर्स में, और ये वेरिएशंस भी इन्हीं के थ्रू आती हैं। मतलब इनका सीक्वेंस, अगर इनका सीक्वेंस चेंज होता है, वेरिएशंस आती हैं। सिमिलरिटीज़ फैमिली के मेंबर्स में जो दिखती है, आपने देखा है कि मोस्टली फैमिली मेंबर्स एक दूसरे में मिलते रहते हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम बात करेंगे जीन क्या है। देखिए, जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन जो होता है वो डीएनए का एक सेगमेंट होता है, एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है, जो कि ट्रांसमिट होता है, और उसमें उसमें जो है इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन होती है, और वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड विच मीन्स डीएनए एंड प्रोटीन से बना होता है, जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट आता है कि जीन क्या होता है। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए का सेगमेंट, डीएनए का टुकड़ा या उसका एक छोटा पार्ट, वो क्या कहा जाता है, जीन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोम्स की। जब बात आती है तो क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो होते हैं, हैप्लॉयड डिप्लॉयड नंबर्स बोले जाते हैं, कि हैप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड क्या होता है, तो उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो इन को भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड का मतलब होता है अगर सेल्स में टू होमोलोगस कॉपीज होती हैं, दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, तो हम बोलते हैं उसे डिप्लॉयड। और जिस सेल में सिंगल सेट होता है, क्रोमोसोम सिंगल होता है, उसको बोलते हैं, सिंगल सेट होता है, उसको बोलते हैं हैप्लॉयड। तो देखिए, सेल्स हैव अ टू होमोलोगस सेट, मतलब कि टू होमोलोगस, या फिर हम बोल सकते हैं टू सेट ऑफ, या टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम्स की दो कॉपीज जिनके पास होती हैं, हम उनको बोलते हैं 2N या डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। हैप्लॉयड सेल्स और या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेट रखते हैं क्रोमोसोम का, उनको हम बोलते हैं हैप्लॉयड। और मोस्टली जो डिप्लॉयड जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और जो हैप्लॉयड होते हैं वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। और ये तो आप जानते होंगे कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इसको भी हम शॉर्ट में इसकी डिफिनेशन आपको बता देते हैं कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अपने ही जैसे ऑफ स्प्रिंग का, अपने ही जैसे इंडिविजुअल का डेवलप करना, अपने ही जैसे इंडिविजुअल का प्रोड्यूस करना ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। क्योंकि हर स्पीशीज़ को, हर ऑर्गेनिजम्स को अर्थ पर अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए उसका रिप्रोडक्शन करना मस्ट है। अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं होगी तो एक ऐसी कंडीशन है, क्योंकि हर लिविंग चीज़ जो होती है उसकी डेथ कॉज होती है, तो एक टाइम पर उसकी डेथ होगी। और अगर उसकी जनरेशन नहीं होगी तो फिर मतलब कि वो जो स्पीशीज़ है, वो जो ऑर्गेनिजम्स है, वहीं पर वो क्या होगा, वहीं पर उसका एंड हो जाएगा, मतलब अर्थ से वो वहीं पर कम्प्लीटली वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए हर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो टू टाइप्स से होती है, सेक्सुअल और असेक्सुअल होती है। सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और गैमेट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं, और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर जायगोट जो होता है फर्दरली उसमें डिवीज़न होता है और न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन हो जाता है, एक सिंगल पेरेंट ही न्यू ऑफस्प्रिंग को, न्यू इंडिविजुअल को डेवलप कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है, उसको रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो ये जो है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम बात, मैंने यहाँ पर अभी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड को जब डिस्कस किया, तो वहाँ पर पॉइंट आया ना कि असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, इसलिए मैंने इनको समझाया। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। तो डिप्लॉयड क्या, मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, तो उसमें डबल सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, टू सेट होते हैं। हैप्लॉयड जो होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स, इनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल होता है, आपने देखा यूनिसेलुलर जो होते हैं, या फिर आप जो है ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होंगे जिनमें,
इस तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल बता देते हैं आप लोगों को, अमीबा जो है, अमीबा में क्या होता है कि जो बॉडी होती है बीच से कंट्रैक्ट होती है और सिकुड़ने लगती है, नारा होती है और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये टाइप क्या है, अगर हम इसको कहेंगे ये टाइप ऑफ जो है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इस तरह से बहुत से टाइप हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, फ्रेगमेंटेशन, रिजेनरेशन, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, बडिंग। तो ये सारे प्रोसेस हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मैंने बताया कि गैमेट के थ्रू होता है। उसके बाद हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो फिर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं और क्या किस तरह से होते हैं। तो देखिए, इन ह्यूमंस ईच सेल्स कंटेन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में जो है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के हर सेल के पास। मतलब कि 23 पेयर्स का मतलब क्या होगा, टोटल अगर हम उसका नंबर निकालेंगे तो 46 आएगा। मतलब 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या जिनको आप ये भी बोल सकते हो कि 23 पेयर्स होते हैं। अब 23 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो 22 होते हैं उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर उनका सेम होता है मेल और फीमेल में, वो सेम होते हैं मेल और फीमेल में, वो सेम होते हैं 22, इसलिए उनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं। बट जो 23rd पेयर होता है, वो 23rd पेयर जो होता है वो मेल में और फीमेल में दोनों में उसका स्ट्रक्चर जो डिफरेंट होता है, मेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, फीमेल में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। तो वो क्या होते हैं, वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं कि जो न्यू चाइल्ड डेवलप होगा वो क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो ये जो है ये डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मेल एंड फीमेल्स में मेल 22 प्लस XX रखते हैं, 23 हो गया, मैंने अभी बताया 23 पेयर्स पाए जाते हैं। और फीमेल्स में क्या होते हैं, मेल में 22 प्लस XY और फीमेल में 22 प्लस XX ये होते हैं। मतलब कि जो 23rd पेयर मेल में होता है वो XY होता है, फीमेल में XX होता है। और डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि निर्धारित करते हैं कि जो बेबी या जो चाइल्ड डेवलप होगा, जो जिसका जिस चाइल्ड की बर्थ होगी वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो जब अगर ये एक्स क्रोमोसोम, मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ कॉन्जुगेट होता है तो क्या होता है, जो चाइल्ड जिस चाइल्ड की बर्थ होगी वो क्या होगी, वो फीमेल होगी। अगर इसका वाई और इसके एक्स के साथ होता है तो क्या, जो जिस चाइल्ड की बर्थ होगी वो क्या होगा, मेल होगा। तो ये इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद हम बात करते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस की। और आप लोग में से किसी ने इस क्वेश्चन को मुझसे पूछा था, तो आज मेरा इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पज़ भी यही है। देखिए, मियोसिस क्या होता है कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस और माइटोसिस, सबसे पहले हम आपको बता दें दोनों सेल डिवीज़न की प्रोसेस है। मियोसिस और माइटोसिस जो होते हैं सेल डिवीज़न की प्रोसेस होती हैं, कि जो सेल डिवीज़न हो रही है वो किस टाइप की सेल डिवीज़न है, मियोसिस है या माइटोसिस है। ओके, तो देखिए, मियोसिस इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस फोर सेल्स। क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है वो दो बार डिवाइड होती है और चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि हम यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सिंगल सेल है, ओके, और ये डिवाइड होती है, एक बार दो सेल बना दिया इसने, दो डॉटर सेल। अब फिर ये डिवाइड होगी, दो इसने बनाया, फिर ये डिवाइड होगी, ये दो बनाए, अब टोटल कितनी हो गई, फोर सेल्स हुई। तो यहाँ पर जो सेल्स होती है इसको मदर सेल कहते हैं, जो डिवाइड होती है इसको मदर सेल बोलते हैं। एंड ये जो फोर सेल्स डेवलप हुई हैं इसको क्या बोलेंगे, इसको डॉटर सेल बोलते हैं। ओके, तो मियोसिस क्या होता है, मियोसिस में सिंगल सेल जो होती है वो मदर सेल इज डेवलप इंटू फोर डिवाइडेड या डिवाइडेड इंटू फोर डॉटर सेल्स। तो मियोसिस में एक मदर सेल जो होती है वो दो बार डिवाइड होती है, दो बार डिवाइड हुई, एक बार ये डिवीज़न हुआ, ये डिवाइड हुई टू में, और फिर ये तो दो बार डिवाइड हो गई,
दो बार डिवाइड हुई, चार सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो दो बार डिवाइड होती हैं और चार सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो होती हैं, अब एक पॉइंट क्या आता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स को डिस्कस करते हैं कि इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर क्या होंगे। जो ये जो होते हैं, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल की अगर बात आती है, तो मतलब कि क्रोमोसोम, कहीं पर भी ये कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल जस्ट जैसे था आइडेंटिकल, जैसे पेरेंट में था वैसे ही जो न्यू सेल डेवलप हुई है बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो उसका ये मतलब होता है कि जेनेटिक जो मटेरियल था सेम का सेम है, कोई भी चेंजिंग उसमें नहीं हुई है। बट ये कहा अगर जाए कि जेनेटिक मटेरियल जो था वो जस्ट हाफ हो गया है पेरेंटल सेल के सेल से, मतलब पेरेंटल सेल में जितना था, डॉटर सेल का जब फॉर्मेशन हुआ तो वो जस्ट हाफ हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर थे, मतलब जो क्रोमोसोम्स थे सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस में, वो क्या हो गए, जस्ट हाफ हो गए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है कि जो क्रोमोसोम्स के नंबर मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स के नंबर सेल के होते हैं वो जस्ट हाफ हो जाते हैं। मतलब कि क्रोमोसोम का मतलब ये जो सेल डिवाइड हो रही थी इसमें क्रोमोसोम 2n था, ठीक है, क्रोमोसोम 2n था, और फिर ये दो बार डिवाइड हुई nn क्रोमोसोम में, फिर ये डिवाइड हुई, मतलब अब जो ये सेल्स बनी इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर n है, मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर यही कहा गया है, देखिए, इज़ अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स ट्राइज टू प्रोड्यूस फोर सेल्स कंटेनिंग द हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन। दीज सेल्स आर सेक्स सेल्स, स्पर्म इन मेल्स एंड एग्स इन फीमेल्स। तो यहाँ पर ये देखिए क्या कह रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें कि सिंगल सेल्स जो होती हैं वो दो बार डिवाइड होती हैं और चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती हैं, और जो उनका ओरिजिनल अमाउंट होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वो जस्ट हाफ हो जाता है, कंटेन करती है, मतलब कि जितना इसमें था उसका हाफ होगा। मैं यहाँ पर 2n था तो इनके पास कितना आ गया, n आ गया, तो जस्ट हाफ होगा। और ये जो सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, सेक्स सेल्स कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। सेक्स सेल का मतलब क्या होता है, सेक्स सेल का मतलब वो होगा जो सेक्स को डिटर्मिनेट करती हैं, सेक्स को डिटर्मिनेट करती हैं कि प्रोजेनी जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, जो ये इस बात को डिटर्मिनेट करती हैं उनको सेक्स सेल कहते हैं। तो मियोसिस में जो डिवीज़न होता है उसके बाद जो जिन सेल का फॉर्मेशन होता है, उसमें दो पॉइंट्स हैं, सिर्फ दो पॉइंट समझने हैं, क्या कि एक मदर सेल से चार डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और दो बार वो डिवाइड होती है, और जो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड का फॉर्मेशन होता है। जो सेल डिवाइड हुई थी मदर सेल वो डिप्लॉयड थी, और जो डॉटर सेल्स बनी फोर वो क्या हो गई, हैप्लॉयड हो गई, मतलब कि जेनेटिक कंटेंट जो थे वो जस्ट हाफ हो गए। और ये इस तरह का जो डिवीज़न दिखाई देता है, मियोसिस डिवीज़न जो दिखाई देता है, उसको सेक्स सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि जो सेल्स बनती हैं वो सेक्स सेल्स होती हैं, ओके, जो कि मेल में स्पर्म कही जाती हैं और फीमेल में एग कही जाती हैं। ड्यूरिंग मियोसिस अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू फोर डॉटर सेल्स। तो ये मियोसिस क्लियर हो गया, अब हम बात करेंगे माइटोसिस पर। इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। वो ये माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल सेल जो होती है वो एक बार डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स में, मतलब एक सिंगल सेल है और ये डिवाइड हुई और उसने दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन किया। ड्यूरिंग माइटोसिस द सेल डिवाइड्स वन टू फॉर्म टू आइडेंटिकल सेल्स। यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसके आइडेंटिकल सेल हैं, मतलब कि जो भी कंटेंट इसमें थे, जेनेटिक कंटेंट जो भी थे वो सेम इसमें होंगे, मतलब क्रोमोसोम्स के नंबर इसमें एन थे तो यहाँ भी एन होंगे, ओके। द मेजर पर्पज ऑफ माइटोसिस इज फॉर ग्रोथ। और ये क्या होता है, इनका मकसद क्या होता है, माइटोसिस होने का मतलब ये होता है कि ये उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी की ग्रोथ के लिए होती रहती हैं। अब